हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं गीतू त्यागी, मैं आपके लिए मॉर्निंग रागा पे लेके एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मॉर्निंग रागा इज एन डैश फिल्म। मॉर्निंग रागा एक किस तरह की फिल्म है? आंसर है इंडियन, ये एक भारतीय फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग रागा वाज रिलीज्ड इन। मॉर्निंग रागा कब रिलीज हुई? आंसर है 2004, ये 2004 में रिलीज हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग रागा वाज डायरेक्टेड बाय। मॉर्निंग रागा कब डायरेक्ट, किसके द्वारा डायरेक्ट की गई? आंसर है महेश दत्तानी। महेश दत्तानी के द्वारा ये डायरेक्ट की गई। द फिल्म फोकस ऑन डैश मेन कैरेक्टर्स। फिल्म जो है कितने कैरेक्टर्स पर फोकस है? आंसर है थ्री। इसमें जो फिल्म है ये मुख्य रूप से तीन कैरेक्टर्स में इम्पोर्टेंट है जिन पर ये फिल्म आधारित है। नंबर एक स्वर्णलता, और अभिनय, और पिंकी, जो कि मुख्य कलाकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइव्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स वर ईच रियूंड बाय। इस कहानी में जितने भी मुख्य कलाकार हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तीन, स्वर्णलता, अभिनय और पिंकी, वो उनकी जो लाइफ है वो किस तरह से बर्बाद हो गई है? आंसर है पास्ट ट्रेजेडीज। पहली जो दुर्घटना हुई है, जो त्रादशी उनके साथ हुई थी, उन तीनों का किसी ना किसी तरीके से जो लाइफ है वो बर्बाद हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ मॉर्निंग रागा इज सेट डीप इन द। जो मॉर्निंग रागा की जो स्टोरी है वो कहाँ पर सेट की गई है? आंसर है आंध्र प्रदेश कंट्री साइड। आंध्र प्रदेश में जो रूरल एरिया होता है ये वहाँ पर सेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ स्वर्णलता हैज़ बीन प्लेड बाय। स्वर्णलता का जो रोल है वो किसके द्वारा प्ले किया गया है? आंसर है शबाना आजमी, ये शबाना आजमी के द्वारा प्ले किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्वर्णलता लीव्स द टेंपल फॉलो हर। जब स्वर्णलता टेंपल से जाती है तो उसे कौन फॉलो करता है? आंसर है अभिनय, अभिनय उसको फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैड टू स्वर्णलता यू न्यू माई मदर। ऐसा स्वर्णलता से कौन कहता है कि तुम जानती थी मेरी मदर को, तुम जानती थी? आंसर है अभिनय, अभिनय स्वर्णलता से कहता है कि तुम मेरी माता को जानती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट हिट्स अभिनय ऑन द ब्रिज। अभिनय को ब्रिज पर कौन हिट करता है? आंसर है कार, वो एक कार से टकरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंपेल्ड टू स्टे फॉर द नाइट इन द विलेज। गांव में रात बिताने के लिए कौन मजबूर है? आंसर है पिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट फॉर हैदराबाद टू सीक द परफेक्ट आर्टिस्ट फॉर द प्रपोज्ड ट्रू। प्रस्तावित के लिए हैदराबाद अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए कौन हैदराबाद जाते हैं? आंसर है पिंकी एंड अभिनय, पिंकी और अभिनय हैदराबाद जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लैंड्स अप एट पिंकी बुटीक। पिंकी के घर में जो बुटीक है, जो उसकी माँ ने बुटीक का एक रूम दिया था ताकि वो पिंकी, अभिनय और ड्रमर और गिटारिस्ट वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें, तो कौन कौन वहाँ पर रुकते हैं? अभिनय रुकता है वहाँ पर, आ ड्रमर रुकता है, ड्रम बजाने वाला रुकता है, एंड आ गिटारिस्ट रुकता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ये जो व्यक्ति हैं वो बुटीक के एक रूम होता है बुटीक का, वहाँ पर ये रुकते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अभिनय रिसीव आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद अभिनय को क्या मिलता है? आंसर है हिज मदर वायलिन। उसकी माँ की वायलिन होती है जो वो बजाया करती थी, वो अभिनय को मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय रिटर्न्स टू द विलेज।
अभिनय वापस आता है गांव से कब? आंसर है टू रिटर्न द वायलिन टू स्वर्णलता। वो गांव में आता है स्वर्णलता को वायलिन देने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय इनवाइट्स स्वर्णलता। अभिनय स्वर्णलता को क्यों इनवाइट करता है? आंसर है टू सिंग विद देयर ग्रुप। वो स्वर्णलता के पास जाता है और वो कहता है कि आप हमारे ग्रुप के लिए गाइए, क्योंकि जो अभिनय है वो उसने एक बैंड बनाया है जिसमें उसने एक गिटारिस्ट को रखा है, एक ड्रमर को रखा है और उसमें कई व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी है, उस कमी को वो पूरा करना चाहता है, उसमें एक अच्छा गायक नहीं है, इसीलिए वो स्वर्णलता के पास आया है ताकि वो उस कमी को पूरी कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्वर्णलता। स्वर्णलता की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? आंसर है वैष्णवी। अभिनय की जो माँ है वैष्णवी, वो स्वर्णलता की बेस्ट फ्रेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णवी एंड स्वर्णलता सन वर लॉस्ट इन। वैष्णवी और स्वर्णलता का वैष्णवी एंड स्वर्णलता सन वैष्णवी और स्वर्णलता का बेटा वो लॉस्ट हो गए थे, वो कब इस दुनिया से चले गए थे? आंसर है अब बस एक्सीडेंट। जब एक बस की एक त्रादशी हुई थी तो उसमें स्वर्णलता का बेटा माधव और उसकी बेस्ट फ्रेंड वैष्णवी उस एक्सीडेंट में चले गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ मॉर्निंग रागा रेस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ डेस ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ वैष्णवी एंड हर अवन सन। ये जो स्टोरी है, जब इस प्ले की ओपनिंग होती है, कितने सालों के बाद होती है? आंसर है 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद। जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो स्वर्णलता अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है, वो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती है, तो 20 सालों के बाद ये प्ले दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय इज द सन ऑफ। अभिनय किसका बेटा है? आंसर है वैष्णवी, वो वैष्णवी का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय प्लान्स टू लीव हिज बिजनेस ऑफ कंपोजिंग जिंगल विद डिजायर टू स्टार्ट अ। अभिनय जो है किस बिजनेस को छोड़ देता है अपनी जिंगल कंपोजिंग करने की इच्छा से? आंसर है म्यूजिक ग्रुप, क्योंकि वो उसे म्यूजिक ग्रुप म्यूजिक उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपने सब कार्यों को छोड़ देता है, क्योंकि उसे एक अपना अच्छा बैंड बनाना था, एक अपना संगीत बनाना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज प्लान ऑफ स्टार्टिंग अ म्यूजिक ट्रूप इरिस्क। उसका जो प्लान है म्यूजिक का, वो कौन बेकार कर देता है? हिज फादर, उसके पिता। उसके पिता को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हिज फादर वांट हिम टू डू। उसके पिता उसे क्या कराना चाहते हैं अपने बेटे को, क्योंकि उन्हें संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा संगीत का कार्य बिल्कुल ना करे, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आंसर है टू लुक आफ्टर द एंसेस्ट्रल लैंड्स इन द विलेज। अभिनय के जो फादर है वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जो हमारी ज़मीन है उसकी देखभाल करे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अभिनय स्पॉट स्वर्णलता। जो अभिनय है, अभिनय स्वर्णलता को कहाँ कब देखता है? आंसर है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वैष्णवी। जब अभिनय की माँ की एनिवर्सरी होती है, डेथ की पुण्यतिथि होती है, तब वो स्वर्णलता को देखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्वर्णलता रेस्पोंड टू हिज रिक्वेस्ट। अभिनय स्वर्णलता के पास जाता है जब कि आप हमारे ग्रुप के लिए गाइए, तो जो स्वर्णलता है उसका क्या रेस्पॉन्स होता है? आंसर है सी रिफ्यूज़, वो मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं गाऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णलताज हस्बैंड आस्क अभिनय। स्वर्णलता के जो पति हैं मिस्टर शास्त्री, वो अभिनय से क्या कहते हैं?
आंसर है टू ब्रिंग हिज ग्रुप टू द हाउस ऑन गणेश चतुर्थी डे। वो अभिनय को गणेश चतुर्थी के दिन अपने की तुम अपना जो बैंड जो संगीत है उसको बजाने के लिए हमारे घर पर आइएगा गणेश चतुर्थी के दिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्वर्णलता डू आफ्टर द अराइवल ऑफ द ग्रुप। जब ग्रुप आ जाता है तो स्वर्णलता क्या करती है। आंसर है सी स्टार्ट सिंगिंग। वो गाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अभिनय अगेन रिक्वेस्ट स्वर्णलता टू सिंग इन द सिटी। जब अभिनय दोबारा कई बार रिक्वेस्ट करता है स्वर्णलता से गाने के लिए कि आप गाइए शहर में, तो स्वर्णलता क्या करती है। स्वर्णलता रिफ्यूज कर देती है, फिर भी मना कर देती है वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डज अभिनय फादर लाइक हिज सन म्यूजिकल करियर। जो अभिनय के जो फादर हैं क्या अपने बेटे के लिए जो म्यूजिक में वो करियर बना रहा है उसको क्या वो पसंद करते हैं। आंसर है नो ही डज नॉट लाइक। वो उसके संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्वर्णलता डू इन द एंड। अंत में स्वर्णलता क्या करती है। आंसर है शी एग्री टू सिंग फॉर अभिनय इन द सिटी। वो एग्री हो जाती है कि मैं अभिनय तुम्हारे लिए गाऊंगी, वो शहर में गाने के लिए अग्री हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णलता एग्री टू सिंग इन द सिटी बिकॉज। वो क्यों एग्री हो जाती है गाने के लिए कि मैं शहर में गाऊंगी। आंसर है ही इज़ हर बेस्ट फ्रेंड सन। क्योंकि जो अभिनय है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए आप थोड़ा एडजस्ट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शबाना आजमी वाज ट्रेंड इंसेंटिवली इन। शबाना आजमी किस में ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। आंसर है कर्नाटिक म्यूजिक। वो कर्नाटकीय संगीत में बहुत ट्रेंड है। जो शबाना आजमी है, जो स्वर्णलता है, वो कर्नाटकीय संगीत में बहुत ट्रेंड है, उसे अच्छा आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग रागा इज अ मीटिंग ऑफ टू वर्ड्स देज आर। जो राइटर है वो बताते हैं कि जो संगीत है मॉर्निंग रागा उस वो दो दुनियाओं को मिलाता है। वो दुनिया कौन सी है, वो दो संसार कौन से हैं। आंसर है द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल। आधुनिक और परंपरागत जो दुनिया है, पहले की दुनिया और अब की दुनिया, उन दोनों को संगीत मिलाता है। यही महेश दत्तानी ने दिखाने की कोशिश की है इस प्ले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग रागा यूनिट्स। जो मॉर्निंग रागा है वो किस चीज़ को जोड़ता है। आंसर है द पास्ट विद द प्रेजेंट। जो पहले की बातें हैं उसे प्रेजेंट से जोड़ता है। कर्नाटिक म्यूजिक विद वेस्टर्न म्यूजिक। और जो कर्नाटकीय संगीत है उसे पश्चिमी संगीत से जोड़ता है। एंड फेट एंड कोइंसिडेंस विद इंडिविजुअल चॉइस। और जो फेट और कोइंसिडेंस है उसे इंडिविजुअल अपनी व्यक्तिगत चॉइस से जोड़ता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी ये हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे ही जो मॉर्निंग रागा है उसमें दिखाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक मॉर्निंग रागा इंजॉयबल इज इट्स बिग सिटी स्मॉल ऑलवेज न्यू वेज बॉय मीट्स गर्ल एज फेट वुड हैव इट स्टोरी लाइन एग्जैक्टली द शॉर्ट ऑफ इम प्लास्टिक फ्रॉम द पॉपुलर सिनेमा ऑडियंस डिमांड हु सेड। ये सारी बातें कौन कहता है। ये कुमार दास के द्वारा ये बातें कही गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ म्यूजिक दैट क्रोस टू ब्रिंग अबाउट ह्यूमन बॉन्डिंग। ये म्यूजिक ही है, ये संगीत ही है जो मानवता को जोड़े हुए है। इसका आंसर है जेनरेशन गैप, जेंडर गैप,
और कल्चर गैप, जितना भी आधुनिक चीज़ों को और पुरानी चीज़ों को, जो जेंडर गैप है, जो जनरेशन गैप है, जो कल्चर गैप है, इन सभी चीज़ों को जो म्यूज़िक है वो जोड़ता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों बातें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार एक्सीडेंट किल्स, कार एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें कौन मारा जाता है, पिंकी, स्वर्णलता, वैष्णवी या नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर है वैष्णवी, जो कि स्वर्णलता की बेस्ट फ्रेंड थी, वो इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। इन द एक्सीडेंट डैश सन माधव इज किल्ड, इस एक्सीडेंट में जो माधव है वो किसका बेटा है जो कि मारा जाता है। आंसर है स्वर्णलता, माधव स्वर्णलता का बेटा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय इज द सन ऑफ, अभिनय किसका बेटा है। आंसर है वैष्णवी, अभिनय वैष्णवी का बेटा है, वैष्णवी मर चुकी है एक्सीडेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय इज फादर, अभिनय के जो पिता हैं वो कैसे हैं। इज अ मेल चुविनिस्ट हु डज नॉट केयर अबाउट हिज वाइफ, वो एक कोम परस्त व्यक्ति हैं, वो बेकार व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं करते थे, और वो एक ऐसे पर्सन हैं, ही इज ऑल्सो अ वुमेनाइजर हु हैज़ इलिसिट रिलेशनशिप विद वीमेन, वो एक महिला सलाहकार भी हैं जिनके की अवैध संबंध हैं दूसरी महिलाओं से। ऑलवेज बिहेव एज थ्रू एवरीथिंग ही डज इट करेक्ट एंड नॉर्मल, जो भी कुछ वो व्यवहार करते हैं उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही बातें हैं। अभिनय के पिता एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, वो एक महिला सलाहकार भी हैं, लेकिन उनके जो गैर संबंध भी हैं दूसरी महिलाओं के साथ, उनकी जो पत्नी है वैष्णवी वो मर चुकी है, फिर भी वो उसके मरने के बाद भी वो शिकायत करते रहते हैं, और जो भी वो कुछ करते हैं उन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस कपूर पिंकीज मदर फाइनली टेल्स पिंकी, मिसेस कपूर जो कि इस प्ले में नए कैरेक्टर हैं, ये पिंकी की मदर हैं, एक फाइनली ये पिंकी से क्या बता देती हैं, ये बताती हैं द ट्रूथ अबाउट हर फादर, जो पिंकी के पिता थे उनके बारे में ये बता देती हैं, अबाउट हाउ ही वॉज अ ड्रंकर्ड एंड यूज टू बीट हर अप। वो पिंकी की माँ ने पिंकी को बताया कि तुम्हारे पिता शराब पीते थे, वो मुझे मारा करते थे। अबाउट द एक्सीडेंट हाउ हर फादर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द विलेजर्स इन द बस एक्सीडेंट, और पिंकी की माँ ने पिंकी को बताया कि जो एक्सीडेंट हुआ था, जो त्रादशी हुई थी, उसमें तुम्हारे पिता ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, और वही जिम्मेदार हैं जिनके कारण कि बहुत सारे गाँव वालों की मृत्यु हो गई। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शास्त्री इज, मिस्टर शास्त्री कौन है। आंसर है स्वर्णलता हस्बैंड, जो स्वर्णलता है मिस्टर शास्त्री उनके हस्बैंड हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शास्त्री द हस्बैंड ऑफ स्वर्णलता, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। मिस्टर शास्त्री वॉन्ट स्वर्णलता टू टेक पार्ट इन द कंसर्ट, मिस्टर शास्त्री जो हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो अपनी पत्नी को स्वर्णलता को संगीत समारोह में ले जाना चाहते हैं, और ही हेल्प्स हर टू अचीव व्हाट शी वांट, और वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं जो वो चाहती है करना, एंड ही कीप्स एनकरेजिंग हिज वाइफ टू हेल्प अभिनय एंड पिंकी इन देयर एंडेवर्स, और वो पिंकी को वो अपनी पत्नी को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हें पिंकी की और अभिनय की हेल्प करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन स्वर्णलता स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस विद हर हस्बैंड, क्या होता है जब स्वर्णलता अपने पति के साथ घर से निकलती है, जब वो दोनों जाते हैं तो ऑन द वे देयर कार
ब्रेकडाउन। जब वो घर से जाते हैं तो उनकी कार ब्रेकडाउन हो जाती है, रुक जाती है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, एंड दे आर फोर्स्ड टू टेक द बस। और वो बस में जाना जाने के लिए फोर्स करते हैं, जो स्वर्णलता का जो पति होता है वो बस में जाने के लिए फोर्स करता है। व्हेन द बस क्रॉस द ब्रिज, जब बस में वो जा रहे होते हैं तो जैसे ही बस ब्रिज को क्रॉस करती है, सी स्टार्टेड स्क्रीमिंग स्टॉप द बस स्टार्टिंग रनिंग एंड फॉल्स इल। और वो बस से उतर जाती है और चिल्लाने लगती है, बस रोको बस रोको। और स्वर्णलता बस से उतर जाती है और घर की तरफ वापस भागने लग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही बातें होती हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप द कार, वी ऑल आर गोइंग टू डाई, हु सेज, कार रोको, हम सभी मरने वाले हैं। ये लाइन किसके द्वारा कही गई हैं? ये लाइन स्वर्णलता के द्वारा कही गई हैं, क्योंकि वो मेंटली डिप्रेस हो चुकी है, वो पहली त्रादशी से डर गई है, पहली जो मेमोरीज हैं उसे याद आ गई हैं, जिस कारण वो ऐसे बोल रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पिंकी फाइनली रिवेल। जो पिंकी होती है वो अपने आप को कन्फेस कैसे, वो स्वीकार क्या कर लेती है? वो बताती है, माय फादर वाज ड्रिंक, मेरे पिता पीते थे, एंड वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, और वो ही रेस्पॉन्सिबल थे इस एक्सीडेंट के लिए। पिंकी ये मान लेती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म एंड्स विद द, जो फिल्म है जो प्ले है वो एंड, इसकी एंड कैसे होती है? आंसर है, स्वर्णलता सिंगिंग थाया यशोदा। जो स्वर्णलता है वो गाने लगती है, गाना गाती है थाया यशोदा, और इन्हीं लाइन इन्हीं वर्डों के साथ जो प्ले है वो एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लग आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसर्ट बिकम्स अ डैश वीक हिट। जो वो संगीत होता है वो कितने वीक के लिए हिट होता है? 10 सप्ताह तक वो चलता रहता है और हिट जाता है वो म्यूज़िक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ साइड प्लॉट। इसका जो प्लॉट है वो किस तरीके का है? आंसर है, पिंकी एंड हर सिटी स्लीकर मदर एंड द विलेज अप्पा राव विद हिज बफेलो एनापोरा। इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ, दोनों ही इसके आंसर होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट लिविंग द विलेज, मैं गांव को नहीं छोड़ रही हूँ। आई टेल यू एग्री, मैं कह रही हूँ तुमसे एग्री हूँ लेकिन मैं गाँव को नहीं छोड़ रही हूँ। उस सेज एंड टू होम, ऐसा कौन कहता है और किससे कहता है? आंसर है, अभी ने टू स्वर्णलता, अभी ने कहता है, ये स्वर्णलता से कहता है कि मैं गाँव को नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं तुमसे एग्री हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन अ डिफरेंट रागा फॉर मी टू लर्न। ये एक डिफरेंट राग है मेरे लिए सीखने के लिए। 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। म्यूज़िक इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी, जो संगीत है वो कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। इट हैज़ बीन माई ड्रीम टू सिंग, ये मेरा सपना है गाने के लिए, फॉर एन ऑडियंस सच एज यू, जैसे कि तुम्हारे सामने मैं गाऊं, ये मेरा एक सपना है। हु सेज, ये लाइन कौन कहता है? स्वर्णलता, ये लाइन स्वर्णलता कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग रागा दत्तानी डील्स विद द पैशन ऑफ। मॉर्निंग रागा में जो दत्तानी है, जो लेखक है, वो उनका क्या पैशन है, क्या आवेश है? म्यूजिक एंड डीप रूटेड ह्यूमन इमोशन, उनका है संगीत को दर्शाना, संगीत की पावर को दर्शाना, और डीप रूटेड ह्यूमन इमोशंस, और व्यक्ति की जो गहरी मानवता की जो गहरी भावनाएं हैं उनको दिखाना। आंसर होगा बोथ, ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉर्निंग रागा डैश इज कॉट इन मेंटल ट्रिनुमा।
मॉर्निंग रागा में जो मानसिक वेदना है, जो मेंटली जो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कौन हो जाता है? आंसर है स्वर्णलता। स्वर्णलता इस त्रादशी में डिप्रेशन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स द प्रोटागोनिस्ट टू कॉप विद द रियलिटीज ऑफ द लाइफ। इन सभी वास्तविकता को, जो इतनी त्रादशी हुई है, उसके बावजूद भी ये किस क्या चीज़ इन्हें उभारती है? आंसर है म्यूजिक। संगीत के द्वारा ही वो अपने आप को बाहर निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय, हु हैज अ सिंगर, जो एक सिंगर है, अ गिटारिस्ट, एक गिटारिस्ट है, एंड अ ड्रमर, वो गिटार भी बजाता है, ड्रम भी बजाता है, एंड सॉरी, जिसके पास एक सिंगर भी है, एक गिटारिस्ट भी है और एक ड्रमर भी है, एंड लॉट्स ऑफ आर टैलेंट, उसके पास बहुत टैलेंट है, फील समथिंग मिसिंग, लेकिन फिर भी वो कुछ मिस कर रहा है। अभिनय, उसके पास एक गिटार बजाने वाला भी है, उसके पास एक सिंगर भी है, ड्रमर भी है, लेकिन वो कुछ मिस कर रहा है। वेयर डज ही फाइंड दिस समथिंग, वो इस कमी को पाने के लिए कहाँ जाता है? इन स्वर्णलताज अ कर्नाटिक सिंगर, वो स्वर्णलता के पास जाता है, जो कि एक कर्नाटक की सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग रागा इज एन इंडियन फिल्म विद मोस्ट ऑफ डायलॉग इन, जो मॉर्निंग रागा जो इंडियन फिल्म है, ज़्यादा जो उसके डायलॉग्स हैं वो किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में इसके डायलॉग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश कोविलेमुडी वाज अ डैश एक्टर, प्रकाश कोविलेमुडी जो है वो कैसे एक्टर हैं? आंसर है तेलुगु, वो एक तेलुगु जो हीरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग रागा इज़ अ फिल्म दैट रिवॉल्व्स अराउंड थ्री कैरेक्टर्स, दीज आर, जो मॉर्निंग रागा है वो किन तीन मुख्य कलाकारों को जोड़े रखती है? आंसर है स्वर्णलता, पिंकी एंड अभिनय। ये मिस्टेक हो गया है, ये पिंकी है यहाँ पर, स्वर्णलता एंड पिंकी एंड अभिनय, तीन जो मेन कलाकार हैं इनको जोड़े रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज थ्री कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर बाय, इन तीनों मुख्य कलाकारों को एक साथ कौन जोड़ता है? आंसर है सर्कमटेंस, इन्हें जो परिस्थितियां हैं वो इनको एक पास ले आती हैं, इन तीनों को जोड़ती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग रागा इज़ अ डैश, मॉर्निंग रागा जो एक मूवी है वो किस तरह की मूवी है? आंसर है लो बजट फिल्म, ये एक लो बजट फिल्म है, इसमें इतना खर्च नहीं आया है, ये एक हम इसे सस्ती फिल्म बोल सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगा है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये जो MCQs हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर फंड मॉर्निंग रागा एज पावरफुल एंड डिस्टर्बिंग, कौन से न्यूज़पेपर में ये आता है कि पावरफुल एंड डिस्टर्बिंग है? आंसर है द न्यूयॉर्क टाइम्स लॉस, न्यूयॉर्क टाइम्स लॉस ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसी में ये लिखा हुआ आता है। फ्रेंड्स, मेरे जो MCQs हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।